कि क्या एक इंसान का एक से ज्यादा नाम रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, छोटी सी बात है। तो शरण जायज है कि एक इंसान का एक से ज्यादा नाम रखा जाए। कभी ऐसा होता है कि ददिहाल में दूसरा नाम है, ननिहाल में दूसरा नाम है, या डॉक्यूमेंट पे दूसरा नाम है, घर में किसी और नाम से पुकारा जा रहा, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने उस हदीस से इस्तदलाल किया जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मेरा नाम, मेरे पांच नाम हैं, अना अहमद, अना माही, अनल माही, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मैं हाशिर हूँ और मैं आक़िब हूँ। तो ये जो अल्लाह के रसूल ने अलग अलग अपने नाम गिनाए हैं, ज़िक्र किए हैं, इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इससे इस्तदलाल किया है कि गोया कि एक इंसान का एक से ज़्यादा नाम, किसी भी वजह से एक से ज़्यादा नाम रखा जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं।